नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षिदा और आप सभी का मेरे चैनल कुक विद हर्षिदा में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं चने और मेथी और आम के अचार की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए यहां पे हमने मेथी के दाने लिए हैं। ये लगभग दोस्तों 4 से 5 चम्मच के करीब होगा। इसी के साथ हमारे पास यहाँ चने हैं, ये भी 4 से 5 चम्मच के करीब है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले भिगा के रखेंगे। तो ये मैंने मेथी दानों को एक बर्तन में ले लिया है और इसी के साथ चने भी जो है वो एक बर्तन में ले लिए हैं। अब हम दोस्तों इसको पानी में हम भिगा देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे दोस्तों, और अच्छे से इन दानों को, मेथी दानों को और चनों को अच्छे से इसमें भिगा देंगे और लगभग 7 से 8 घंटे तक हम इसे इसी तरह से ढक के रहने देंगे। काफ़ी अच्छे से हमारे ये जो दाने हैं फूल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है आम का नमक और हल्दी का खट्टा पानी, जो हमने आम के अचार को बनाते हुए रखा था। और यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो चने हैं और जो मेथी है वो काफ़ी अच्छे से एकदम सोक हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी फूल चुकी है मेथी भी, ये देखिए। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चने और मेथी को इस तरह से धो लेंगे दोस्तों, इस तरह से अच्छे से इसे वॉश कर लेना है, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। और जो हल्दी नमक और या आम का खट्टा वाला पानी है दोस्तों, तो उसमें हम इस चने को और मेथी को ऐड करेंगे। तो हमने इसमें से पानी निकाल लिया है दोस्तों, और अब हम इसको इस खट्टे पानी में ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये पानी नहीं है दोस्तों, हल्दी नमक और आम का, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पानी है तो इस अचार को बनाने का और खाने का मज़ा तब ज़्यादा हो जाता है जब ये पानी होता है दोस्तों। तो हमने इसमें चने और मेथी ऐड कर दिया है। अब वापस से दोस्तों हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए इसमें भीगने देंगे। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा मेथी और चने में। और दूसरी तरफ दोस्तों ये हमने आम को थोड़ा सा सुखा लिया है, हल्दी और नमक वाले पानी में ही इसको करके हमने सुखाया है दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, मेथी और चने में खट्टापन काफ़ी अच्छे से आ चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बर्तन लेंगे, छन्नी लगा कर इसको हम छान लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है दोस्तों वो इसमें से निकल जाए। और हमको अब क्या करना है, मेथी और चने को एकदम सूखा कर लेना है दोस्तों। तो जो मॉइस्चर है एकदम उसमें से हटा लेना है। तो आपको इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पानी को इसमें से निकाल दीजिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कोई भी बर्तन में, लाइक एक बड़ी सी जो प्लेट है उसमें आप इसको इस तरह से फैला लें, और घर में पंखे के नीचे आप इसे सुखा सकते हैं। सो विद इन 5 to 6 hours ये काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा। और दूसरी तरफ हमने सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं मेथी और चना सूख चुका है दोस्तों। आपको खनकने की भी आवाज़ आ रही है कि कितने अच्छे से खनक रहे हैं। बस हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे एक बर्तन में, और इस बर्तन में हम ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्ची का पाउडर स्वाद के अनुसार। और साथ ही यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच के करीब सरसों ली है दोस्तों, पीली सरसों। और ये हम कुछ अचार का मसाला ऐड कर रहे हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, और इसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि घर पे अचार का मसाला किस तरह से बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर आम के पीसेस भी दोस्तों ऐड कर लिए हैं, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और हमारा जो तेल है गरम हो गया। हमने दोस्तों इसको ठंडा कर लिया था, हमेशा ये इस बात का ध्यान रखें कि तेल को गरम करने के बाद ठंडा कर लें। एकदम ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा गरम रखना है, लेकिन एकदम गर्मा गर्म कभी भी तेल अचार में ऐड ना करें। और ये हमने इसमें तेल ऐड कर लिया दोस्तों, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि सभी मसाले, मेथी, चना सब में अच्छे से तेल लग जाए दोस्तों। और फिर हम इसे इसी बर्तन में 2 दिन रहने देंगे दोस्तों। तो ढक्कन लगा के 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद जो हमारा अचार है कितना यम्मी और सुपर्ब बना है दोस्तों, एकदम परफेक्ट बना है। तो हम इसे एक कांच के इस तरह से कंटेनर में निकाल लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसे कंटेनर में निकाल लूँगी, लेकिन जब भी कंटेनर में निकालें दोस्तों तो एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि कंटेनर एक अच्छे से वॉश होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसे बड़ी सावधानी से हम भरेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा अचार रेडी है। आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि चना अच्छे से नहीं हुआ, मेथी दाना अच्छे से नहीं हुआ, तो आप इसे 10 से 15 दिन दोस्तों रख दें इसी तरह से, और 10 से 15 दिनों के बाद इसका यूज़ करें। हमारी बॉटल में हमने अचार अच्छे से भर लिया है, और ऊपर से हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो चना, मेथी और आम का अचार है दोस्तों, ये एकदम रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना सुपर्ब लग रहा है। बहुत ही आसान है दोस्तों इस रेसिपी को बनाना, और इसका मज़ा आप उठा सकते हैं। घर में जब सब्ज़ी नहीं है तो इसको खा सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से आप इसे ढक्कन लगाएं, और आप इसको पूरे साल आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो अगर आपको आज की इस रेसिपी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।